किलो का गांजा जब्त किया है। रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे व सहायक सुरक्षा आयुक्त एके स्वामी के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गोंदिया को गुप्त सूचना मिली है। सूचना के आधार पर ट्रेन क्रमांक 18442 अजमेरपुरी एक्सप्रेस रात 2 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर कोच क्रमांक S3 बर्थ क्रमांक 55 को चेक किए 2 लावारिस बैग में गांजा जैसा दिखने वाला मादक पदार्थ पाया गया। उसे उतार कर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट में लाया गया, जहां गांजे की कीमत लगभग 2,80,380 रुपए है। दूसरी ओर बालाघाट में मामूली सी बातों को लेकर अश्लील गालियां देकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कमलेश पिता गणेश बिशेन 24 वर्ष वार्ड नंबर 18 ग्राम परसवाड़ा निवासी ने रिपोर्ट कराई है कि रविंद्र बिशेन पिता रमेश ग्राम परसवाड़ा निवासी के द्वारा आरोपी के बच्चे ने प्रार्थी के आंगन में शौच कर दिया था। जहां प्रार्थी सदर द्वारा साफ करने को कहा तो आरोपी के द्वारा अश्लील गालियां देकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराएं के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही दूसरी ओर बालाघाट में ही किरणापुर में महिला के घर में घुसकर की अश्लील हरकत। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम झिरिया टोला ककोड़ी निवासी एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि घर में घुसकर बुरी नीयत से मेरे साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की है। जहां पीड़ित ने आरोपी भोजरात उड़नखेड़े झिरिया टोला ककोड़ी निवासी ने जातिगत रूप से अपमानित कर छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी तक दे दी है। जहां पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS सिंधी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।